मैथ्स टीचर मिस उजाला अली सिद्दीकी हियर. सो लेट्स स्टार्ट विद लेक्चर 1 वीक 4 यूनिट नंबर 1 सेट एक्सरसाइज नंबर 1.5. स्टूडेंट्स हमारे पास इस लेक्चर में या इस एक्सरसाइज में हमारे पास जो है 4 प्रॉपर्टीज हैं, जिसमें से मैं आप लोगों को आज वीक 4 के लेक्चर 1 में 2 प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करूंगी और आपकी जो इसकी 2 प्रॉपर्टीज रिमेनिंग होंगी वो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे. अच्छा, सबसे पहले हमारे पास है प्रॉपर्टीज इन्वॉल्विंग यूनियन ऑफ सेट एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स. हमने आज पढ़नी है प्रॉपर्टीज पढ़नी है यूनियन ऑफ सेट्स की और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स की. उसमें हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज आज इस लेक्चर में गिवन है और 2 हम इसके बाद पढ़ेंगे. मैं आपको 4 प्रॉपर्टीज के नेम्स बता देती हूँ. एक होती है हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एक होती है हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और जो 2 प्रॉपर्टी मैं आज इस लेक्चर में आप लोगों को नहीं बता रही हूँ वो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगी. एक है प्रॉपर्टीज इन्वॉल्विंग डिफरेंस ऑफ सेट, एक है प्रॉपर्टीज इन्वॉल्विंग कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट. आज हम ये दोनों पढ़ रहे हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. अच्छा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में भी हमारे पास यूनियन इंटरसेक्शन होंगे और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में भी हमारे पास यूनियन और इंटरसेक्शन होंगे. सबसे पहले हम पढ़ते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट्स, इसमें हमारे पास यूनियन की है और इंटरसेक्शन की है. सबसे पहले मैं आपको यूनियन की बताऊंगी कि हम इसको किस तरह राइट करेंगे. कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास कितने सेट्स गिवन होते हैं स्टूडेंट्स? 2 सेट्स गिवन होते हैं, एक ए होता है और एक बी होता है. वही हमारे पास जो 2 सेट लेफ्ट हैंड साइड पे गिवन होंगे वही दोनों सेट्स हमारे पास कहाँ होंगे? राइट हैंड साइड पे गिवन. लेकिन हमारे पास राइट हैंड साइड पे उसका क्या होता है? ऑर्डर चेंज होता है. अच्छा, हमारे पास यूनियन का कम्यूटेटिव कर रहे हैं तो हमारे पास ऑपरेशन कौन सा होगा? यूनियन का होगा दोनों साइड पे, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी. लेकिन हमारे पास अगर हम इसके ऑर्डर को राइट हैंड साइड पे चेंज कर दें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में, तो हमारे पास इसके आंसर में कोई डिफरेंस नहीं होगा, कोई फर्क नहीं आएगा. अगर हम यहाँ पे ए यूनियन भी लिखा हुआ है, अगर हम इसको यहाँ पे बी यूनियन ए फाइंड करें तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इस प्रॉपर्टी में क्या आएगा? इक्वल आएगा. अच्छा, अब इंटरसेक्शन की देख लेते हैं. कम्यूटेटिव यूनियन की भी होती है हमारे पास और इंटरसेक्शन की भी होती है. अभी मैंने आप लोगों को यूनियन की बताई, अब इंटरसेक्शन की देख रहे हैं. तो इंटरसेक्शन है तो हमारे पास यहाँ पे ऑपरेशन कौन सा यूज़ होगा? इंटरसेक्शन बिल्कुल सेम होगी जैसे हमारे पास यूनियन की थी. 2 ही सेट इसमें गिवन होंगे हमारे पास, एक ए एक बी, और राइट हैंड साइड पे इसका ऑर्डर चेंज हो सकता है हमारे पास. अच्छा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे इंटरसेक्शन है तो हमने कौन सा ऑपरेशन यूज़ करना है? इंटरसेक्शन का ऑपरेशन यूज़ करना है, और राइट हैंड साइड पे भी हमें इंटरसेक्शन का ऑपरेशन यूज़ करना है. ये हमारे पास दोनों प्रॉपर्टीज़ हैं किसकी? कम्यूटेटिव की. एक है यूनियन और एक है हमारे पास इंटरसेक्शन. अब मैं आप लोगों को कम्यूटेटिव अभी इसकी एग्जाम्पल आगे करेंगे जब हम इसकी एसोसिएटिव भी पढ़ लेंगे. अब हमारे पास है 2 प्रॉपर्टीज आज पढ़ा रही हूँ. कम्यूटेटिव मैंने आप लोगों को बता दी है, अब आ जाते हैं एसोसिएटिव. एसोसिएटिव में भी हमारे पास एक इंटरसेक्शन की, एक यूनियन की होती है और एक इंटरसेक्शन की. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमारे पास कितने सेट्स गिवन होते हैं? 1, 2, 3 सेट्स होते हैं हमारे पास. लेफ्ट हैंड साइड पे भी 3 होते हैं और हमारे पास राइट हैंड साइड पे भी होते हैं. एसोसिएटिव है तो 3 सेट्स गिवन होंगे, कम्यूटेटिव होगी तो 2 सेट्स होंगे. ठीक है स्टूडेंट्स. अच्छा, अब हमारे पास है एसोसिएटिव का यूनियन. यूनियन में हमारे पास जो है ऑपरेशन कौन सा यूज़ होगा दोनों साइड पे? यूनियन का सैम्बल यूज़ होगा, ऑपरेशन यूज़ होगा. सैम्बल बोल लें या ऑपरेशन बोल लें बात सेम. अच्छा, 3 सेट गिवन होंगे हमारे पास एसोसिएटिव में. हमने जो करना है कि तीनों को लिखना है पहले, ए बी और सी, और राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास क्या होगा? ए बी सी. और तीनों में कौन सा ऑपरेशन यूज़ होगा? यूनियन का. तीनों के बिटवीन कौन सा ऑपरेशन यूज़ होगा? यूनियन का, और राइट हैंड साइड पे भी यूनियन का. इसकी लेफ्ट हैंड साइड पे हम ब्रैकेट्स में बी यूनियन सी को करते हैं और राइट हैंड साइड पे हम इसको इसके ए यूनियन बी को ब्रैकेट्स में कर देते हैं. या आप लोगों को जब आप लोग इसको सॉल्व करेंगे या यूज़ करेंगे तो आप लोगों को ये याद हो जाएगा. ठीक है, हमने इसमें अगर हम चाहें तो इसको ए यूनियन बी को भी कर सकते हैं, लेकिन हम पहले वाले लेफ्ट हैंड साइड में बी यूनियन सी को ब्रैकेट्स में कर देते हैं और राइट हैंड साइड पे हम ए यूनियन बी को ब्रैकेट्स में कर देते हैं. अच्छा, अगर हम इसकी ऑपरेशन चेंज कर दें, ये इंटरसेक्शन पे आ गए, सेम हमारे पास सेट्स 3 होंगे इंटरसेक्शन में भी, राइट हैंड साइड पे भी 3 सेट्स होंगे. हम इसमें भी कौन सा सैम्बल यूज़ करेंगे? यहाँ पे यूनियन था एसोसिएटिव का, तो कौन सा सैम्बल यूज़ किया था? यूनियन का. अब हमारे पास एसोसिएटिव का इंटरसेक्शन है तो हम उसमें कौन सा सैम्बल यूज़ करेंगे? इंटरसेक्शन का सैम्बल यूज़ करेंगे. दोनों साइड पे हमने यही करना है, 3 सेट इसमें, एक सेट ए है, एक बी
लेफ्ट हैंड साइड पे ही लिखा, राइट हैंड साइड पे भी हमारे पास तीन साइड है ए बी एंड सी, और हम एसोसिएटिव का इंटरसेक्शन कर रहे हैं, तो हमने सैंपल कौन सा, इंटरसेक्शन का यूज करना है दोनों साइड, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जैसे हमने यूनियन में बी इंटरसेक्शन सी, बी यूनियन सी को ब्रैकेट में किया था, यहाँ पे किसको करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी को। ऐसे ही राइट हैंड साइड पे जैसे यूनियन में हमने ए यूनियन डी को ब्रैकेट में किया था, आप यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी को। या आप लोगों ने देख लिया कि इन प्रॉपर्टीज को किस तरह लिखते हैं, ये कम्यूटेटिव की यूनियन है, ये इंटरसेक्शन की यूनियन है, ये एसोसिएटिव की यूनियन है, और ये इंटरसेक्शन की यूनियन प्रॉपर्टी, इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव, ठीक है स्टूडेंट्स। अब जो है हम इसकी एग्जाम्पल करते हैं, आप लोगों को क्वेश्चन इसके थ्रू सॉल्व करके दिखाती हूँ आप लोगों को कि ये कैसे इक्वल आते हैं। अगर मैं ए यूनियन बी फाइंड करूँ और बी यूनियन ए फाइंड करूँ तो दोनों का आंसर क्या आएगा, मेरे पास सेम आएगा। ऐसे ही यहाँ पे अगर मैं ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करूँ और बी इंटरसेक्शन ए, इनके ऑर्डर चेंज कर दूँ, पहले ए बी था अब क्या हो गया बी और ए, मैं ए को बाद में ले आई और बी को पहले ले आई, तो तब भी हमारे पास क्या है, आंसर सेम ही आएगा। ऐसे ही यहाँ पे हम लोगों ने क्या करा, पहले इसको ब्रैकेट में कर दिया बी यूनियन सी को और बाद में ए यूनियन बी को। अगर मैं पूरा ए का यूनियन करूँ बी यूनियन सी से और ए यूनियन बी पहले फाइंड करूँ और फिर यूनियन सी करूँ, तब भी मेरे पास आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। अच्छा, अब इसकी एक एग्जाम्पल है, मैं आप लोगों को समझा रही हूँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की एग्जाम्पल, लेकिन मैं किससे समझा रही हूँ, आप लोगों को यूनियन से समझा रही हूँ, ठीक है। इंटरसेक्शन आप लोग इसका खुद फाइंड करेंगे। सबसे पहले मैंने एक सेट किया, एक सेट ए है जिसमें 1 2 3 4 है, फिर एक सेट बी है 5 6 7 8, हम लिखा हुआ है देन प्रूव दैट ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए, ये हमारे पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का यूनियन है, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, अब सबसे पहले मुझे क्या फाइंड करना है, ए यूनियन बी, लेफ्ट हैंड साइड लूंगी मैं, लेफ्ट हैंड साइड में सबसे पहले मेरे पास क्या लिखा हुआ है, ए यूनियन बी, मैंने ए यूनियन बी फाइंड करना है, मेरे पास ऑपरेशन कौन सा हो रहा है, यूनियन का हो रहा है, ये आप लोग 1.2 में पढ़ चुके हैं पहले। अब देखिए यूनियन में हम क्या करते हैं, मैंने सबसे पहले ए सेट लिखा 1 2 3 4, फिर यूनियन का ऑपरेशन यूज किया, फिर बी सेट लिखा, बी सेट क्या है 5 6 7 8, ठीक है। अच्छा, अब मैंने इन दोनों में यूनियन करवाना है, यूनियन में हम क्या करते हैं, दोनों सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन कर देते हैं, लेकिन अगर कोई एलिमेंट दोनों में हो तो उसको वन टाइम राइट करते हैं। अब देख लीजिए, वन जो है सबसे पहले वन था हमने लिख दिया, फिर टू, फिर थ्री, फिर फोर, फिर फाइव, फिर सिक्स, फिर सेवन, फिर एट, ठीक है। अच्छा, हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गई, अब मुझे करनी है इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व, जो कि क्या है, बी यूनियन ए। अब मैंने यहाँ पे राइट हैंड साइड लिखा, अब मुझे बी यूनियन ए फाइंड करना है, बी यूनियन ए फाइंड करना, सबसे पहले बी सेट लिखा हुआ है तो बी सेट राइट किया क्वेश्चन में से देख के, फिर यूनियन का ऑपरेशन है, यूनियन का ऑपरेशन राइट किया, फिर ए सेट है, ए सेट क्वेश्चन में से देख के राइट कर दिया। अब मुझे इन दोनों में यूनियन करना है, यूनियन में हम कंबाइन करते हैं दोनों सेट के एलिमेंट्स को, तो मैंने इन दोनों सेट के एलिमेंट्स को कंबाइन करके लिख दिया, वन आता है तो सबसे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मेरा जो ए यूनियन बी का आंसर है वो ये है और बी यूनियन ए का आंसर ये है, दोनों आंसर मेरे क्या है, सेम है। तो इनके सेम होने का मतलब ये है कि मेरा जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके बराबर है, राइट हैंड साइड के। तो ये हमारी जो ए यूनियन बी इक्वल्स टू बी यूनियन ए की प्रॉपर्टी है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ये हमारी जो है प्रूव हो गई है। अच्छा, अगर हम इसका ऑर्डर चेंज भी कर दें तो ये हमारे पास आंसर क्या आता है, इसका सेम आता है। अच्छा, अब मैंने आप लोगों को इसकी यूनियन समझा दी है, अब इंटरसेक्शन आप लोगों ने 1.2 में पढ़ चुके हैं तो आप इंटरसेक्शन ईजिली कर सकते हैं इसका, यह आप लोगों ने खुद पढ़ा है। अच्छा, अब आ जाते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ सेट, इसमें मैं आप लोगों को यूनियन आप लोग खुद करेंगे, इंटरसेक्शन मैं बताऊंगी आप लोगों, क्योंकि आप लोग ये यूनियन पढ़ चुके हैं तो ईजिली कर सकते हैं और हेल्प ले सकते हैं इंटरसेक्शन से कि किस तरह मैंने सॉल्व किया। अब मैंने एक एग्जाम्पल दी, अब मैं सॉल्व कर रही हूँ एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन, इसका मैंने एक क्वेश्चन लिया है, इफ ए सेट है ए सी ई जी, एक सेट है बी एफ जी एच आई, एक सेट है मेरे पास बी डी जी एच, ठीक है। अब देन प्रूव दैट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी बराबर होता है ए इंटरसेक्शन बी के और इंटरसेक्शन सी। अब मैंने आप लोगों को इस प्रॉपर्टी में ये बताया था कि हमारे पास कितने सेट्स होते हैं, तीन सेट्स होते हैं ए बी सी। अगर इंटरसेक्शन की प्रॉपर्टी है तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा ऑपरेशन यूज हो रहा होगा, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे, इंटरसेक्शन। उसके बाद हम इसके जो बी इंटरसेक्शन सी होता है उसको ब्रैकेट में करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड
ब्रैकेट एंड बी को ब्रैकेट में कर देते हैं। ऐसे ही अब हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। पहले मैंने लिखा लेफ्ट हैंड साइड जो है ए इंटरसेक्शन, ए का इंटरसेक्शन करवाना है बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले आप लोगों को पता होगा कि हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट में हमारे पास क्या चीज़ है, ए इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। तो सबसे पहले बी इंटरसेक्शन सी को हम सॉल्व करेंगे। बी क्या है हमारे पास, एफ जी एच आर, ठीक है, वो लिख दिया, इंटरसेक्शन का ऑपरेशन लगा दिया। फिर हमने सी लिखना है, सी हमारे पास क्या है, बी डी जी एच। अब मैंने इन दोनों में क्या करवाना है, इंटरसेक्शन। ये भी आप लोगों को मैंने 1.2 में बताया था स्टूडेंट्स के जब इंटरसेक्शन करते हैं तो दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट्स को लिखते हैं। अब इन दोनों सेट्स में एफ हमारे पास दोनों में मौजूद नहीं है, जी हमारे पास दोनों सेट्स में मौजूद है और एच भी हमारे पास दोनों सेट्स में मौजूद है। इसके अलावा एफ और आई इसमें मौजूद नहीं है और बी और डी इसमें मौजूद नहीं है, ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे जी है तो मैंने कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं, इंटरसेक्शन हो रहा है तो जी लिख दिया, और एच मेरे पास यहाँ पे दोनों में है तो मैंने एच लिख दिया। तो मेरे पास ये क्या आ गया है, बी इंटरसेक्शन सी, लेफ्ट हैंड साइड में बी इंटरसेक्शन सी आ गया। मुझे इसको बी इंटरसेक्शन सी के आंसर को किससे इंटरसेक्शन करवाना है, ए से। अभी हम लेफ्ट हैंड साइड ही सॉल्व कर रहे हैं, अब मैं करवाऊंगी ए इंटरसेक्शन को, ए को इंटरसेक्शन करवाऊंगी बी इंटरसेक्शन सी से। अब मैंने सबसे पहले ए लिखा हुआ है, ए का सेट कॉपी कर लिया क्वेश्चन में से। फिर इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन यूज किया, इंटरसेक्शन कोएफिशिएंट यूज किया। फिर मेरे पास बी इंटरसेक्शन सी का आंसर था, वो था जी एच, तो मैंने वो लिख लिया। अब मैंने क्या करना है, दोनों में ए को करवाना है इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी से। अब मुझे ये देखना है कि इंटरसेक्शन करवा रही हूँ मैं तो दोनों में कौन सा एलिमेंट जो है मेरा कॉमन है। ए दोनों में नहीं है, सी दोनों में नहीं है, ई भी नहीं है, सिर्फ एक जी है जो दोनों में मौजूद है। तो मेरा इन दोनों का ब्रैकेट्स का आंसर, दोनों का इंटरसेक्शन क्या आया है, जी आया है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब मेरी लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर सॉल्व हो गई है। अब हम इसकी क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पूरी सॉल्व हो गई है, यहाँ पे अब राइट हैंड साइड को लेंगे। राइट हैंड साइड में भी पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे हम। ब्रैकेट में हमारे पास क्या मौजूद है, ए इंटरसेक्शन बी। राइट हैंड साइड लिख ली हमने, यहाँ पे एक दफ़ा कॉपी कर लेंगे राइट हैंड साइड के आगे, ताकि आप लोग देख देख के इजिली सॉल्व कर सकें। अब सबसे पहले ए इंटरसेक्शन बी करवाएंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ए सेट लेंगे क्वेश्चन में से, इंटरसेक्शन का सैम्पल यूज करेंगे, फिर हम बी का सेट ले लेंगे क्वेश्चन में से जो एफ जी एच आर। अब इन दोनों में इंटरसेक्शन करवाना है मुझे, तो देखना है कि दोनों में कौन सा एलिमेंट जो है वो सेम है। ए दोनों में मौजूद नहीं है, सी भी नहीं है, ई भी नहीं है, सिर्फ एक जी है जो दोनों में मौजूद है, एफ भी नहीं है और आई भी नहीं और एच भी मौजूद नहीं। तो हम क्या करेंगे, दोनों में जब इंटरसेक्शन कराएंगे तो हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आया है, जी आया है। अच्छा, अब हमारे पास ये राइट हैंड साइड में ब्रैकेट सॉल्व हो गया है, मुझे इस ब्रैकेट का इंटरसेक्शन करवाना है सी से। अब मैंने लिख दिया ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन करवाना है मुझे सी से। तो मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी का आंसर क्या आया था, जी आया था, तो मैंने वो राइट करा। देन मैंने इंटरसेक्शन का ऑपरेशन यूज़ किया। फिर सी ब्रैकेट मैंने, मेरे पास क्वेश्चन में मौजूद है बी डी जी एच, तो मैंने वो राइट कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, अच्छा अब जो है मैंने दोनों में ए इंटरसेक्शन बी में और सी में क्या करवाना है, इंटरसेक्शन करवाना है दोनों सेट्स। दोनों में मैंने यही देखना है कि इंटरसेक्शन के ऑपरेशन में कॉमन एलिमेंट्स को राइट करते हैं, तो मेरे पास यहाँ पे कॉमन एलिमेंट्स सिर्फ क्या है, जी मौजूद है, तो मैंने यहाँ पे जी राइट कर दिया। तो मेरे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड का आंसर क्या आया था, हमने पहले इसका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया था, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी का इंटरसेक्शन का लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर क्या आया, जी आया। जब मैंने इसका राइट हैंड साइड सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर क्या है, जी। तो इट्स मीन के दोनों के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या है, बराबर है। तो ये हमारी प्रॉपर्टी यहाँ पे प्रूव होती है। यहाँ पे आप लोगों के दो सेट की एग्जांपल ख़त्म हो गई है। मैंने आप लोगों को कम्यूटेटिव में यूनियन की एग्जांपल से समझाया, इंटरसेक्शन आप लोग खुद करके देख सकते हैं। फिर मैंने एसोसिएटिव में आपको यूनियन आप खुद करेंगे इंटरसेक्शन से समझाया, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक यूनियन से समझा दिया था। तो आपको वर्कशीट में भी इसी तरह के क्वेश्चन मिलेंगे जिस तरह आप इसकी हेल्प से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।